अज जाननी मैं जान तेनू देना, कल संग वाली सारी मैं मिटा देनी आ। फोटो दिल दे कोने च जो लुका के सी मैं रखी अज क्यों दिखे मुझे तू फिर हाने मेरे सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे दिल से निकल गया है लफ्जों पे आना। ऑल राइट गाइज, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा गाइज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हो, अब यहाँ पर प्लस का ऑप्शन पे क्लिक करके 9:16 रेशियो को चूज़ करना होगा, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। अब प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना होगा और आप जिस भी इमेज पे वीडियोज़ बना रहे हो आप सिंपली उस वाला इमेज को यहाँ पर इम्पोर्ट करें। तो यहाँ पर आप जैसा भी इमेज यूज़ कर रहे हो, आप अपना कपल इमेजेस या कुछ इस टाइप से या कुछ इस टाइप से आपका मर्जी, आप कुछ इस टाइप से जैसा भी यूज़ करना है। तो फिलहाल जैसे कि यहाँ पर आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसी इमेज को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देन थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करना होगा आपको, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा। और गाइज आपको ना डिस्क्रिप्शन पे मतलब कुछ आपको हर्ट क्राउन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी जैसे कि आपको हर्ट क्राउन यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाला हर्ट क्राउन को यूज़ करता हूँ। देन छोटा कर ले आप इसे और यहाँ पर इसके हेड पे इस तरह सेट कर लीजिए। अब जैसे कि मैंने सेट कर लिया, अब आपको अगेन फिर से आपको यहाँ पर और एक हर्ट क्राउन यूज़ करना होगा क्योंकि गर्ल्स भी है। तो आप यहाँ पर ये वाला हर्ट क्राउन मैं यूज़ करता हूँ और इसे मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसके हेड पे इस तरह सेट कर लेता हूँ। या ये सही नहीं लग रहा है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, या और भी यहाँ पर ढेर सारे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर। तो जैसे कि मैंने ये वाला यूज़ करता हूँ अभी, और यहाँ पर आप इसे थोड़ा रोटेट कर लीजिए इस तरह। तो मैं 8 डिग्री रोटेट कर लिया हूँ, थोड़ा और रोटेट करना होगा, 18 डिग्री में रोटेट कर लिया हूँ। अब इसे मैं इधर सेट कर लेता हूँ, तो देख सकते कुछ इस तरह। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, करेंट फ्रेम एज ए PNG, देन एक्सपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि एक्सपोर्ट कर चुके, देन आपको सेव करना होगा और यहाँ पर ये इस वाला सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करके 4:5 रेशियो करना होगा। देन फोटो को 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना होगा, और या आप इस तरह कर सकते हो, या आप यहाँ पर जो फोटो एक्सपोर्ट किए आप उसे यहाँ पर कर मतलब इंपोर्ट करके 4:5 रेशियो कर लो। तो दोनों हर्ट क्राउन को आपको फिर से यहाँ पर सेट कर लेना होगा हेड पे। तो यहाँ पर मैं इस तरह सेट कर लेता हूँ अगेन इस तरह, और इसे भी आपको छोटा कर लेना होगा इस तरह, और यहाँ पर सही से सेट कर लेना होगा। देन फिर से आपको 4:5 रेशियो का एक हर्ट क्राउन जैसे कि आप सेट कर चुके, मतलब 4:5 रेशियो का अब एक इमेज एक्सपोर्ट करना होगा। तो शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके करेंट फ्रेम एज ए PNG, देन एक्सपोर्ट, और इसे भी आपको सेव कर लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो इमेजेस आपका सेव हो चुका है। अब गाइज आपको फिर से यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना होगा, 9:16 रेशियो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। देन आप यहाँ पर जो दो इमेजेस बनाए उनमें से 9:16 रेशियो वाला इमेज को इंपोर्ट करें। देन टाइम का ऑप्शन पर जाकर आप थोड़ा घटा लीजिए। देन यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके ऑडियो व्यू ऑल सॉन्ग, और आप जिस भी ऑडियोज पर वीडियोज बना रहे हो आप सिंपली वो वाला ऑडियो को डायरेक्टली इंपोर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लिया। अब जितना दूर आपको बनाना है वीडियोस, लाइक 30 सेकेंड या 37 सेकेंड आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर फोटोज़ को मैं कट कर देता हूँ धीरे, और अभी आपको क्या करना होगा, ये फ़ोटोज़ के अंदर आपको इफ़ेक्ट्स ऐड करना होगा। तो अभी आप यहाँ पर इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, ऐड इफेक्ट, देन सैचुरेशन टाइप करना होगा, सैचुरेशन वाइब्रेंस का स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ कर लीजिए, और जो ये सैचुरेशन है आप इसे 30% तक कर सकते हो, या आप अपना फ़ोटो के ऊपर डिपेंड करे आप जितना रखना चाहते हो। देन आप अगेन फिर से ऐड इफेक्ट पे जाइए और ब्राइटनेस सर्च किए, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का चूज़ करना होगा। तो ब्राइटनेस को आपको 15% तक कर लेना होगा, लाइक यहाँ पर, और जैसे कि ज़्यादा ही हो गया ये, और यहाँ पर ब्राइटनेस 15%, और ये जो आपका कॉन्ट्रास्ट है इसे 46, तो यहाँ पर मैं 46 कर लिया, 45 इस तरह। अब फिर से आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, ऐड इफेक्ट पर जाना होगा, और सर्च का ऑप्शन पर टाइप करना होगा विनिएट, विनिएट की स्पेलिंग देख लीजिए, और उसके बाद आपको विनिएट को 77 करना होगा साइज को। तो यहाँ पर मैं 77 कर लेता हूँ, और ये जो देख सकते हो 77, एंड राउंडनेस जो है आपको इसे 166, तो यहाँ पर मैं 166 कर लिया।
तो ये थोड़ा ज़्यादा राउंडनेस लग रहा है, तो इस तरह आप राउंडनेस को हाइड कर दीजिए, मतलब हाइड ही कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो सही है, नहीं तो आप राउंडनेस को इस तरह हाइड कर दीजिए। देख सकते हैं राउंडनेस कुछ इस टाइप से, तो जैसे समझ में ना आए उस तरह कर दीजिए। इतना ठीक है राउंडनेस, अब सही लग रहा है इस फोटोज़ पे। अब यहाँ पर इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन पे जाना होगा, ऐड इफेक्ट पे जाना होगा, और यहाँ पर गॉसियन ब्लर, या आप ब्लर सर्च करें देन गॉसियन ब्लर को चूज़ करें, देन स्टैंडर्ड सेटिंग गॉसियन ब्लर का आप 200 कर लीजिए, 210 इस टाइप से, 200 इतना ठीक है। अब देन फिर से इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, ऐड इफेक्ट पर जाना होगा, और यहाँ पर आप RGB टाइप कर लीजिए, देन RGB चैनल रैम का स्टैंडर्ड सेटिंग, और नीचे का जो B है, G है, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो बाय द वे, बट यहाँ पर फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाके घटा लीजिए ओपेसिटी को, कुछ इतना मैं कर लिया। आपका फ़ोटो के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना रखना है, नहीं तो मैं 95 करता हूँ अभी फ़ोटोज़ के ऊपर। और अभी आप देख सकते हैं आपको अब इंपोर्ट करना होगा 4:5 रेशियो वाला इमेज, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया, और इसे आपको छोटा कर लेना होगा। छोटा करने के बाद आपको इसे एक्सटेंड कर देना होगा एंड तक, और यहाँ पर देख सकते हो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर बैक करना होगा। और यहाँ पर गाइज आपको डिस्क्रिप्शन पे एक इफ़ेक्ट मिल जाएगा जिसका नेम है लॉफी इफेक्ट बाय टेक्निकल स्वेल, तो ये वाला XML फाइल भी मिल जाएंगे एंड प्रीसेट फाइल भी, आप प्रोजेक्ट को इजीली इंपोर्ट करा सकते हो अपने एलाइट मोशन पर। अब यहाँ पर गाइज आपको ना ये सबसे नीचे पे ये वाइट कलर का टेक्स्ट मिलता है, तो ये सबसे नीचे वाला वाइट कलर का टेक्स्ट का कॉपी इफेक्ट्स पे जाना होगा। इफेक्ट्स का ऑप्शन पे जाने के बाद कॉपी इफेक्ट्स कर लेना होगा, देन आपका ये जो इमेज है इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना होगा। अब पेस्ट करने के बाद कुछ ये इमेज इस टाइप से हो जाएगा, देन यहाँ पर आप साइज़ को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, थोड़ा इंक्रीज़ करने के बाद आप थोड़ा ऊपर की तरफ कर लीजिएगा, तो यहाँ पर इतना मैं सेट कर लिया। अब यहाँ पर आपको बॉर्डर एंड शैडो पे जाना होगा, शैडो का ऑप्शन पे जाना होगा, और शैडो को एनेबल करना होगा, साइज़ को 50% तक कर देना होगा, और बॉर्डर को ऐड करना चाहते हो तो आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो इस तरह, तो बॉर्डर 10 रख लीजिएगा इनसाइड का अगर ऐड करना चाहते हो तो कुछ बॉर्डर इस टाइप से देखने को मिलता है। तो गाइज अभी आप क्या कर सकते हो, ये वाला फ़ोटोज़ को थोड़ा अप की तरफ कर दीजिए और साइज़ को थोड़ा और इंक्रीज़ कर लीजिए, तो मैंने जैसे कि अप की तरफ कर दिया, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा और ही, तो सही है। और बॉर्डर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो बाय द वे, जैसे कि बॉर्डर हटा देते हो तो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा यहाँ पर इस तरह, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, अगर बॉर्डर रखना चाहते हो तो कर सकते हो ऐड बॉर्डर और इनसाइड 10 साइज। अब यहाँ पर गाइज आपको इमोजी ऐड करना होगा, तो टेक्स्ट का ऑप्शन पर जाना होगा, iOS इमोजी सब चूज़ कर लीजिए इस तरह, मतलब कुछ इमोजीज, देन iOS फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप इसे इंपोर्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट कर लीजिएगा, देन कलर का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और ये वॉलेट का ऑप्शन पे जाके डाउन कर लीजिए, और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं आपका iOS इमोजी कुछ यहाँ पर दिख रहा है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, आप कुछ मंकी इस टाइप से वगैरह वगैरह रख सकते हो, या हर्ट का जगह आप यहाँ पर ये अर्थ का जगह आप यहाँ पर रोज़ रख सकते हो, तो कुछ इस टाइप से ये दिखता है। और एंड कर दीजिए, जितना दूर है आपको एंड कर देना होगा, और शैडो का ऑप्शन पर जाना होगा और शैडो का एनेबल कर देना होगा, इसका वाइट शैडो भी रख सकते हो आप इस तरह लगता है, ब्लैक शैडो कुछ इस टाइप से, तो मैं रेकमेंड करूँगा ब्लैक शैडो ज़रूर रखें। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, बैक करना होगा, और यहाँ पर टेक्स्ट जो आपका लॉफी इफेक्ट है इसके अंदर टेक्स्ट मिलता है, कॉपी लेयर कर लेना होगा इसका, और यहाँ पर जाकर पेस्ट लेयर कर देना होगा बाय द वे। बट गाइज अभी देख सकते हैं इसके अंदर ना फॉन्ट मिलेगा सैंड पीटर, इस फॉन्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो यहाँ पर गाइज आपको वाइट लाइन अगर ऐड करना है, जो टेक्स्ट का पे वाइट लाइन है, तो ये जो कॉन्टोर लाइन है इसे आप हाइड करोगे तो वाइट लाइन हट जाता है, और वाइट लाइन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और वाइट लाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो इस तरह, तो वाइट ही सही लगता है मेरे को। अभी देख सकते हैं क्या करना होगा, सॉन्ग के साथ आपको लिरिक्स टाइप करना होगा, तो पहले मार्क करना होगा आपको आज चांदनी, तो मैं सोचो इतना दूर है आपका टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, और इसका एडिट टेक्स्ट पे जाना होगा, हर्ट सबको रख हर्ट का 20 से आपको टाइप करना होगा, तो आज चांदनी इस तरह मैं टाइप किया, तो यहाँ पर इस तरह टाइप करने के बाद देख सकते हो कुछ ये इस टाइप से आ जाएगा,
और उसके बाद गाइस फिर से आपको यहाँ से पेस्ट लेयर कर देना होगा तेनू देना, तो इतना दूर है तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, मार्क कर लीजिएगा। और बीच पे जो आपका टेक्स्ट है उसे हटा दीजिए, जो ये वाला टेक्स्ट है, और जो भी लिरिक्स है आप उसे टाइप कर दीजिए। इस तरह मैं टाइप कर दिया, तो देख सकते कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पर ये लिरिक्स आपका टाइप हो जाएगा। और पूरा आपको जितना दूर लिखना है आप उस तरह लिखते जाइएगा। देन आप यहाँ पर फिर से इफेक्ट्स का ऑप्शन पर आ जाओ और ये तीनों लेयर को इस तरह सिलेक्ट करके कॉपी थ्री लेयर्स और अपने इसके अंदर पेस्ट थ्री लेयर्स कर दो। और इसे ये सबको आपको एक्सटेंड कर देना होगा पूरा एंड तक, जितना दूर आपको वीडियोज़ बनाना चाहते हो आप, तो कुछ वो इस टाइप से देखने को मिलेगा और आपका वीडियो कुछ इस टाइप से बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आप कुछ इस टाइप से बनाओगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, मतलब फ़ोटो थोड़ा जूम हो गया है। तो इस तरह लगेगा। आई होप आपको वीडियो देख के पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और ट्यूटोरियल जैसा भी चाहिए आप नीचे पे कमेंट करना गाइज। और न्यू चैनल ओपन करूँगा जल्द ही, जिसका नेम रहेगा, मतलब नहीं मेरे को पता, बट गेमिंग चैनल है, डेफिनेटली सपोर्ट करें।